श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल वालों अमृतसर के पुतली घर स्थित गुरद्वारा पिपली साहब विखे लंगर हाल की नवी बन के तैयार हुई इमारत का उद्घाटन किया गया। पत्रकारों नाल गलबात करदे भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल का कहना है कि तीन गुरुआ की चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरद्वारा पिपली साहब की यह इमारत बाबा बचन सिंह दिल्ली वालों वालों तैयार करवाई गई है जिसका उद्घाटन अज किया गया है। सो अज गुरद्वारा पिपली साहब जिथे तीन गुरु साहबाना दे अपने पवित्र चरण पए ने चरण छोह प्राप्त स्थान दे विखे सतगुरु महाराज की बड़ी अपार कृपा हुई है कि अज लंगर हाल का उद्घाटन किया गया और जिसकी कार सेवा संत महापुरख संत बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले वालों जी है कार सेवा की गई है। बहुत खुशी हुई है और संत महापुरख संत बाबा बचन सिंह जी का भी बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने एक बहुत सोहनी सुंदर जी लंगर की हाल की इमारत बना के अज सारी संगत के सपुरद जी है वो की गई है। बहुत खुशी की गल है। सो बहुत दुख की गल है, बहुत ही अफसोस है कि श्री करतारपुर साहब की वो पावन धरती जिथे श्री गुरु नानक दास गुरु नानक देव साहब महाराज ने अपने जीवन का आखिरी समा गुजारे है और उतों की जो सेवा है जो उतों का प्रबंध है वो सरकार वालों कुछ ऐसी एजेंसी को दिता गया है जिदे कोई भी सिख नहीं है और जिदी निंदा चार चौफेरियों सारी नानक लेवा संगत वालों हुई है। लेकिन यह भी दुख की गल है कि असी बार बार जी है उत्थे सरकार को अपील भी की है, भारत सरकार को अपील की है कि उतों की जी सेवा हैगी है जो भी पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हें सौंपी जाए। लेकिन अजे तक पाकिस्तान सरकार वालों ये उत्ते कोई अपना कमेंट्स नहीं दिता गया। उन्होंने चाहिए है तो अपनी जी है और दसे कि किस तरह प्रबंध दिता गया, कौन प्रबंध करेगा, उन्होंने स्पष्टीकरण जोड़ा है मैं समझदा पाकिस्तान सरकार को देना चाहिए।